हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को आलू बोंदा बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और एकदम जैसे मार्केट में मिलता है उस तरह आप अपने घर पे बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आलू बोंदा बनाना। सबसे पहले कढ़ाई को आप गैस पे चढ़ा लें, उसमें करीब 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डालें। जब तेल गर्म हो जाए उसमें 1/4 चम्मच हींग डालें। आधा चम्मच जीरा और करीब 1 से 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई इसमें आप डाल दें। इसको करीब 1/2 से 1 मिनट के लिए आप फ्राई कर लें अच्छे से। इसे फ्राई करने के बाद आप इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें, 2 चम्मच दरदरा पिसी हुई धनिया के दाने, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 10 से 12 काजू और किशमिश यहाँ पे मैंने लिया है, इसे इसमें डाल दें आप। काजू को थोड़ा सा आप चॉप कर दें हल्के हाथों से, तो इस तरह इसमें आपको उसे डालना है। और जो धनिया की सीड्स हमने लिए है उसे हल्का सा हमने रोस्ट करके दरदरा पीस लिया था, उसको इसमें मैंने डाला है। अब यहाँ पे 4 आलू बॉईल किए हुए मैंने ले लिए हैं, इसे छील लिया है, इस तरह रफली चॉप कर लिया है, इसे डाल दिया है इसमें। अब इसमें आप 1/2 चम्मच काला नमक डालें और 1/2 चम्मच सफ़ेद नमक या नॉर्मल सॉल्ट जो आप कहते हैं खाते हैं नॉर्मल खाने में, उसको इसमें डाल दें। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद एक मैशर की मदद से आलू को अच्छे से पूरा आप मैश कर लीजिए। हमें ज़्यादा मैश नहीं करना है, हल्का फुल्का मैश कर लें। मैश करने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लें आप हल्के हाथों से। अब इसमें फ्रेशली चॉप धनिया की पत्तियाँ डाल दें आप। इसे करीब 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लें आलू को, और फ्राई करने के बाद गैस को आप बंद कर दें। तब तक हम बेसन का बैटर बना लेते हैं जब तक आलू ठंडा होता है। तो यहाँ मैंने 2 कप बेसन ले लिया है, एक मिक्सिंग बोल में आप डाल लें। यहाँ 1/2 चम्मच अजवाइन डाल दें आप इसमें, 1/2 चम्मच नमक डालें, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। ये चाहे सारी सूखी चीज़ों को एक बार अच्छे से आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद थोड़ी थोड़ी अमाउंट में इसमें पानी डाल के इसका हम बहुत ही थिक बैटर तैयार करेंगे, तो इसीलिए आप धीमे धीमे ही पानी डालें और थोड़ा थोड़ा पानी डालें ताकि आपको बैटर की कंसिस्टेंसी एग्जैक्टली पता चलती रहे। इस तरह मैंने इसका काफ़ी थिक बैटर ये तैयार कर लिया है। अब इसमें आप थोड़ा बहुत बेकिंग सोडा डालें, मतलब 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा आपको इसमें डालना है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दें और मिक्स करने के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दें करीब 10 मिनट के लिए। जब तक वो रेस्ट होता है तो जो आलू का हमने मसाला बनाया है उसकी हम बॉल्स तैयार कर लेते हैं बोंडा बनाने के लिए। तो इस तरह थोड़े थोड़े अमाउंट में जिस तरह आप लड्डू तैयार करते हैं उस तरह लेके इसकी बॉल्स आप तैयार कर लें। ये मैंने सारे मसाले की इसी तरह बॉल्स तैयार कर ली हैं। पहले से बॉल्स प्रिपेयर्ड रहती हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है बनाने में। तो इसी तरह हल्के हाथों से आप बॉल्स तैयार कर लें। बॉल्स तैयार होने के बाद जो हमने बेसन फेंट के रखा हुआ था एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद बॉल्स को आप इस बेसन के बैटर में डाल दें। किसी हल्के चम्मच की मदद से आप इसे एक बार अच्छे से कोट कर दें, और कोट करने के बाद अपने हाथों की मदद से हल्के हाथों से इसे उठा के हमें गरम तेल में डालना है। तो आप इसे हल्के हाथों से उठाएं और तेल को आप पहले से ही गैस पर चढ़ा के रखें। जब मीडियम हॉट होगा आपका तेल तब उस मोमेंट पर आपको इसे डालना है। तो जितना भी आपको बनाना हो उस हिसाब से आप इसमें डालें, ज़्यादा ना डालें, पहले अमाउंट में हम थोड़ा ही डालेंगे। और 1 मिनट के अंदर इसे हमें निकाल लेना है। 1 मिनट के अंदर इसे निकालेंगे तो एक बहुत ही लाइट कलर के होंगे। उसके बाद तेल को एकदम हाई फ्लेम पे आप गरम कर लें, जबकि एकदम स्मोकिंग हॉट नहीं हो जाता तब तक गरम कर लें। उसके बाद जो भी बोंडे आपने तैयार किए हैं जितने भी उसको आप इसमें डाल दें, इसे डाल दें और इसे तब तक पकाएं जब तक ये लाइट गोल्डन कलर के नहीं हो जाते। ये मैंने डाल दिया और गैस को मैंने हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही सेट कर रखा है इस मोमेंट पे। तो गैस को हमें धीमा नहीं करना है, इसे हमें तेज आंच पे ही पकाना है। तेज आंच पे आप इसे लाइट गोल्डन कर लें। आप देख सकते हैं मैंने आलू बोंडा एकदम तैयार कर लिया है, लाइट गोल्डन कलर के हो चुके हैं। इस मोमेंट पे आप इसे गैस पे निकाल लें और गर्मा गर्म चटनी के साथ सर्व करें। तो ये रही दोस्तों मेरी आलू बोंदा की रेसिपी। आई होप आपको मेरी आलू बोंदा की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।